नमस्कार बच्चों, आप लोग अपनी पुस्तक मेरी शब्दमाला ये निकाल के रखिए, ठीक है। इसे निकालिए और अब हम इसमें क्या करेंगे, पेज नंबर 14 आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको ऐसे जोड़ के पढ़ना सिखाया, उसके बाद हमने सीखा था ऐसे जोड़ने के बाद हम एक साथ कैसे वर्डिंग्स पढ़ते हैं वो हमने सीखा था। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं ये पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें जैसे हमने कल सीखा था पिछले क्लास में वैसे ही अभी भी हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए सबसे पहले क्या यहाँ लिखा है, ब स बस, बस लिखा हुआ है। फिर है प र पर, च ल चल, अ ब अब, ब स बस, प र पर और च ढ चर। तो हमें यहां से कैसे पढ़ेंगे हम, बस पर चल, ऐसे पढ़ेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे, बस पर चल। फिर अब बस पर चढ़। फिर यहां देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, टब टब, ज ल जल, भ र भर, न ल नल, प र पर, ट ब टब, भ र भर। तो यहां से हम फिर पढ़ेंगे इसको एक साथ, टब जल भर, जल भर, नल पर टब भर, छत छत, प र पर, च ढ चढ़, जय य जय, छ त छत, प र पर, म त मत, च ढ चढ़, छत पर चढ़, जय छत पर मत चढ़। दो अक्षर वाले शब्द आपको पढ़ने आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे इन शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, एक साथ। इसीलिए मैं आपको अभ्यास करवा रही हूँ, जैसे एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, एक बॉक्स का हर एक शब्द हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बस पर चल, अब बस पर चढ़, टब जल भर, नल पर टब भर, छत पर चढ़, जय छत पर मत चढ़, ठीक है। अब ये देखिए किस चीज का पिक्चर बना हुआ है, ये बस है और यहाँ लिखा भी हुआ है बस, बस बस। तो इस बॉक्स के नीचे देखिए कॉलम बना हुआ है टेबल आपके लिए, तो इसमें हमें क्या करना है, ऐसे आराम से बस बस भर लेना अपनी पेंसिल से, ठीक है। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट ब टब, तो इसे हम यहाँ भी लिख लेंगे ऐसे, ट ब टब। फिर लिखा हुआ है छ त छत, तो यहाँ हम लिख लेंगे फिर से छ त छत। ऐसे करके हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से इस बॉक्सेस में लिख लेंगे और इसे हम बार बार पढ़ने का, लिखने का, बार बार दोहराएंगे, बार बार लिखेंगे, इससे क्या होगा, हमारी जो अक्षर है, राइटिंग है, वो सुंदर होगी, खूबसूरत होगी और हमें बोलने का भी अभ्यास होगा, ठीक है बच्चों। जैसे जय है तो उसे हम जय कहेंगे, ये नहीं कि अजय या ये वो, बहुत सारे शब्द हैं जो आप इसको जोर डाल डाल के खूब बोल बोल कर खूब पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा, तब आप अच्छे से पढ़ना भी सीख लेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना भी सीख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से आप इसे लिखिएगा, पढ़िएगा, अभ्यास कीजिएगा घर में, ठीक है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।